नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 20 मार्च। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। BTSC पटना ने फिजियोथेरेपिस्ट FSO पद के लिए निकाली रिक्तियां। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन पटना ने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए 303 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी या डिग्री इन फिजियोथेरेपी या डिग्री इन फूड या PG इन केमिस्ट्री की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल तक btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे हेतुकर झा की। हेतुकर झा का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था। हेतुकर झा मूल रूप से एक भारतीय लेखक, प्रोफेसर, शोधकर्ता और फुल ब्राइट स्कॉलर हैं। संप्रति वे महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी न्यास के मानद प्रबंध न्यासी हैं। हेतुकर झा ने अपनी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से पूरी की थी। वहीं हेतुकर झा ने अपने जीवन में कई सारी किताबों का लेखन भी किया है। कोरोना की वजह से CBSE और ICSE ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की स्थगित। भारत के कई राज्यों में फैले कोरोना से अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए CBSE और ICSE दोनों ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 31 मार्च तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है, जिसकी जानकारी विकास संसाधन मंत्रालय ने खुद साझा की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्थगित की एक और परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाल ही में अब dled की परीक्षा को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। खबरों की माने तो कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, dled की यह परीक्षा 28 मार्च को आयोजित की जानी थी। बिहार में अप्रैल महीने से शुरू हो जाएंगी 94,000 शिक्षकों की बहाली। बिहार के सभी TET शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने वाली है। एक मीडिया हाउस रिपोर्ट की माने तो NIOS dled ने विधि विभाग से परामर्श की मांग की है। जैसे ही परामर्श की पुष्टि हो जाएगी, वैसे ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ज्ञात हो, सरकार के इस पहल से 94,000 शिक्षकों को फायदा होगा। पूर्वी चंपारण के अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अरेराज में स्थित यह सोमेश्वरनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर सावन में श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य व दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भागृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहां पर तीर्थयात्री व भक्तगण पूरे बिहार के साथ साथ नेपाल से भी आते हैं। बिहार विधान परिषद जल्द ही हो जाएगा डिजिटल। जल्द ही बिहार की विधान परिषद को डिजिटल कर दिया जाएगा। खबरों की माने तो डिजिटलीकरण के लिए सभापति ने पहले ही केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सदन से संबंधित सभी काम पेपरलेस हो जाने के बारे में बता दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सभापति मोहम्मद हारून रशीद ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट इस महीने के अंत तक हो जाएगा जारी। बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने परीक्षा के परिणाम की घोषणा करने के समय के ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब इन दोनों ही परीक्षाओं को इस महीने के अंत में जारी कर दिया जाएगा हालांकि अभी तक बिहार बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं किया है। 2021 के जनगणना में अहम भूमिका निभाएगा डाक विभाग। 2021 में होने वाले जनगणना को लेकर सरकारी स्तर पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसी क्रम में अगले साल से होने वाले जनगणना में डाक विभाग की अहम भूमिका होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का आंकड़ा, नाम सहित जनगणना में आने वाले सभी कागजात सहित अन्य जरूरी कागजातों को प्रखंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी 7 अप्रैल से डाक विभाग को सौंपी गई है। आयुष्मान भारत से जुड़े बिहार के लगभग 31 अस्पताल। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना से बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिला है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना से अब तक 31 अस्पतालों को भी जोड़ने का काम किया जा चुका है, जिसके तहत पटना के 20, मुजफ्फरपुर के 2, सीतामढ़ी के 4, नालंदा के 1, सीतामढ़ी के 1 समेत अन्य अस्पतालों को इससे जोड़ा गया है। पप्पू यादव ने लालू यादव पर कसा तंज। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने हाल ही में राजद सुप्रीमो लालू यादव पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद अब दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं रही है। राजद पार्टी में अब बस स्वर्ण श्रेणी के लोगों को ही जगह दी जाती है। राज्यसभा चुनाव इसका उदाहरण है।
कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई हाई लेवल की मीटिंग। कोरोना के बढ़ते लक्षणों को देखते हुए बिहार सरकार पहले से ही सजग रूप से काम करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में बिहार सरकार समय समय पर बैठक का आयोजन करवा रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने 31 मार्च तक सभी सार्वजनिक बैठकों को भी रद्द कर दिया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा नहीं होने का आदेश भी जारी किया है, सिवाय शादी के माहौल को छोड़कर। बकाए कर में 35% की राशि देकर बच सकते हैं करदाता। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के सभी करदाताओं के लिए अहम ऐलान जारी किया है, जिसके तहत उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सभी करदाताओं को अधिसूचित करते हुए यह बताया है कि अगर कोई करदाता अपने बकाया कर का 35% राशि को जमा करवा देता है तो उस पर सरकारी सख्ती नहीं दिखाई जाएगी। जगदानंद सिंह ने कन्हैया कुमार को लेकर किया बड़ा खुलासा। राजद नेता जगदानंद सिंह ने हाल ही में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव को एक दूसरे का विरोधी करार दिया था, वहीं अब जगदानंद सिंह ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, यहां लोग के लिए रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, बंद कभी नहीं होते हैं। राज्यसभा में चुने गए हरिवंश ने की बिहार सरकार की तारीफ। राज्यसभा के लिए लगातार दूसरी बार चुने गए हरिवंश नारायण सिंह ने हाल ही में बिहार की एनडीए सरकार का जमकर गुणगान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरह की राजनीतिक स्थिरता है उसे पूरे समाज को सीखने की जरूरत है, क्योंकि यहां की राजनीति बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल है। पटना में बाजारों में मछली की मांग हुई तेज। कोरोना की वजह से देश में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से पॉल्ट्री व्यापार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, मगर अब मछलियों की मांग बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दावे के अनुसार अब लोगों ने मछली की मांग को ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कि अब दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। पप्पू यादव ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का किया। जा प्रमुख पप्पू यादव ने बीते गुरुवार को आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी के लिए नया स्लोगन 30 साल की क्या लाचारी, अधिकार मांगे हर बिहारी को भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने चिराग पासवान को भी अपने साथ आने का न्योता दिया है। 10 मई को पटना में हम की होगी जनसभा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं इसी बीच हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी अपने जनसभा का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत मांझी पटना में अपनी जनसभा को 10 मई को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही मांझी के महागठबंधन दल से अलग होने के कयास भी लगाए जाने लगे। पुतुल कुमारी ने राजद में शामिल होने वाली अटकलों को बताया गलत। भाजपा से बाहर निकाली गई सांसद पुतुल कुमारी ने राजद में शामिल होने की खबर लगातार सुनने में आ रही थी, लेकिन अब इन सभी अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों को ऐसी अफवाहों का आनंद उठाने दीजिए, अभी मेरे किसी भी दल में जाने नहीं जाने जैसी किसी भी बात की कोई चर्चा नहीं हुई है। मांझी के बाद अब कांग्रेस नेता ने राजद का किया विरोध। इन दोनों महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और इसका अंदाजा जीतन राम मांझी के बयानों को देखकर ही लगाया जा सकता है। वहीं अब कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी राजद के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, जिसके तहत कांग्रेस नेता ने हाल ही में राजद की डोमिसाइल नीति पर सवाल उठाते हुए इसे गलत करार दिया है। ट्विटर पर आमने सामने आए तेज प्रताप यादव और मंगल पांडे। बिहार में जहां एक तरफ कोरोना ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं कोरोना के नाम पर राजनीति भी शुरू है। इसी क्रम में अब कोरोना के नाम पर तेज प्रताप यादव और मंगल पांडे आमने सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव के नाम पर किए गए टिप्पणी के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोरोना नहीं आपको बेशर्मोना हो गया है, आपके असली नाम पर आपका क्या ख्याल है श्री अमंगल पांडे जी। कोरोना से बचाव के लिए सीएम हाउस के बाहर रखा गया सैनिटाइजर। बिहार में कोरोना के अभी तक एक भी लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है, मगर सरकार अपनी तरफ से बचाव कर रही है। अब इसी क्रम में सरकार ने एक बार फिर से बचाव के लिए अहम कदम उठाया है, जिसके तहत अब बिहार सरकार ने पुराने सचिवालय के गेट के बाहर सैनिटाइजर रखवा दिया है, ताकि मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले सभी कर्मी हाथ साफ करके आए। अब चले बढ़ते मौसम के खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप रहेगी। वहीं हवा के चलने की वजह से मौसम में ठंडक महसूस हो सकती है। इसके साथ ही अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने की संभावना है, तो वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने के भी आसार है।
कोरोना के कारण स्थगित हुए आईपीएल का इंतजार और ज्यादा बढ़ सकता है। साल 2020 की आईपीएल का इंतजार कर रहे सभी क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल के लिए और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना की वजह से पहले ही इस क्रिकेट लीग को 18 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब खबरों की माने तो बढ़ाई गई तारीख को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि खबरों की माने तो आईपीएल की सभी टीम चाहती है कि आईपीएल का आयोजन पहले के जैसा ही बिना किसी बदलाव के हो। कोरोना की वजह से मुंबई की जिम बंद होने के कारण घर पर ही वर्कआउट करती दिखी मीरा राजपूत। कोरोना के बढ़ते असर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जिम से लेकर फिल्मों की हो रही रिकॉर्डिंग को भी कुछ समय के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद फिटनेस के लिए जाने जाने वाली मीरा राजपूत ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल से घर पर ही जिम करते हुए पोस्ट जारी किया है। सिर्फ मीरा ने ही नहीं, कटरीना कैफ, हिना खान ने भी हाल ही में घर पर जिमिंग करते हुए फोटो को शेयर किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है विकी कुमार, सरफुद्दीन जन, आरके, पीके, अजीत कुमार, विपुल तिवारी, केशव कुमार, मनोज कुमार, राहुल कुमार, प्रजापति, संजीव राज, गुलशन कुमार राज, संदीप सिंह, सुवेश कुमार, राहुल कुमार, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। कोरोना को लेकर दुनिया भर में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए आप खुद को और दूसरों को जागरूक करने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।